हाँ चलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटिस में और आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई सीरीज में, दैट इज कंप्यूटर साइंस। जो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपने पहले दो लेक्चर्स में क्या पढ़ा हुआ है, आपने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है और आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज की लेक्चर नंबर 3 वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज यूनिट के बारे में, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बने लेगा, ठीक है। और भाई चैनल पे भाई नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद, और भाई कोई कमेंट हो तो कमेंट करके बता देना, और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर द स्टोरेज यूनिट, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपको पता है, मैंने चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा है किसी ने, तो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, दैट इज द स्टोरेज यूनिट। तो देखो, स्टोरेज यूनिट, ठीक है। अब देखो, स्टोरेज क्या होती है, जैसे कि आपके मोबाइल में स्टोरेज होती है, जैसे कि स्टोरेज आते हैं ना 8 GB स्टोरेज, या 64 GB, या 128 GB, ठीक है, या टेराबाइट में हो गई, या कोई सॉन्ग हो गया आपका MB में हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दैट कंप्यूटर नीड्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को कंप्यूटर नीड टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। कंप्यूटर को डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इट इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है ना, प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम, जो कि नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। हाँ, जो सॉरी वोलेटाइल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पावर चली जाती है और वो हमारी जो डेटा है वो गायब हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। लेकिन रोम में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी में हमारा डेटा परमानेंट रहता है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, टू स्पेसिफाई द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिवाइसेस, सम यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर यूज, ठीक है, विच आर यूज फॉर मेजिंग प्राइमरी मेमोरी एंड वी कैन रिप्रेजेंट द स्टोरेज बाई कैपेसिटी इन द, देखो आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, देखो किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, पेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट हो गया, जेटाबाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात होती है नंबर 1 स्टोरेज यूनिट की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सब मोस्ट कॉमन डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, स्टोरेज यूनिट के, वो क्या है, पहला देखो हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क किस में आता है, मैग्नेटिक मीडिया में आता है। फिर आता है CD-ROM, DVD, ठीक है। अब ये किस में आते हैं, ऑप्टिकल मीडिया में आते हैं। फिर तुम देख पा रहे हो पेन ड्राइव, ठीक है। तो पेन ड्राइव किस में आता है, पेन ड्राइव आता है हमारा फ्लैश मेमोरी में, CD-DVD आता है ऑप्टिकल मीडिया में, हार्ड डिस्क आता है मैग्नेटिक मीडिया में, ठीक है। अब देखो देखो, ठीक है, तो देखो हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क मेमोराइज मेमोरीज स्टोर इन्फॉर्मेशन वन ऑफ मोर सर्कुलर प्लेट्स और डिस्क, ठीक है। अब डिस्क होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। जब आप हार्ड डिस्क खोल के देखें तो उसके अंदर आपको डिस्क मिलेंगी, ठीक है, विच आर कंटिन्यूली स्पिनिंग, ठीक है, जो लगातार घूमती रहती हैं जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस रोटेटिंग डिस्क आर कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल स्टेक्ड विद अ स्पेस बिटवीन इट, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्क होती हैं ये मैग्नेटिक मीडिया से, मैग्नेटिक मटेरियल से ये कोटेड होती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सर्फेस ऑफ रोटेटिंग डिस्क बाई मैग्नेटिक हेड एज टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट। अब जब ये घूमती हैं तब हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड होता है, वो हमें दिखता है, ठीक है। अब देखो, द ट्रैक्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू पाई शेप्ड सेक्शन कॉल्ड सेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें जो ट्रैक्स होते हैं हार्ड डिस्क में, अब वो कैसे हैं, क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब डिवाइडेड का मतलब तो आपको पता है, इनटू अ पाई शेप, ठीक है, पाई शेप में डिवाइड होते हैं, और जो जिसके सेक्शन जो है उनको हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स, ठीक है। अब देखो, इन मोस्ट सिस्टम द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच कैन बी ट्रांसफर्ड इज अ सेक्टर, ठीक है। अब देखो द ट्रैक्स, ठीक है, अब देखो तुम्हें ट्रैक्स और सेक्टर में बता देता हूँ क्या होता है। ट्रैक्स होते हैं द कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द मैग्नेटाइज्ड सर्फेस ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क आर नोन एज ट्रैक, ठीक है। और सेक्टर्स क्या होते हैं, द ट्रैक्स ऑन द डिस्क सर्फेस आर डिवाइडेड इंटू इनविजिबल सेगमेंट इज नोन एज सेक्टर, ठीक है। अब जो डिस्क पे ट्रैक होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, और वो भी इनविजिबल सेगमेंट में, ठीक है, डिवाइडेड होते हैं लेकिन वो इनविजिबल होते हैं, हमें दिखते नहीं है, उन्हीं को हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो, हार्ड डिस्क ऑफ टुडे हैव स्टोरेज कैपेसिटी इन गीगाबाइट और अप टू टेराबाइट्स, ठीक है। आज की हार्ड डिस्क जो होती हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, अप टू गीगाबाइट्स या टेराबाइट भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, हम KB में स्टोर करते थे, MB में, KB बाइट ऐसे, लेकिन अब हम टेराबाइट में स्टोर कर सकते हैं, गीगाबाइट में, है ना। फिर देखो आता है CD हमारा। अब CD क्या होता है, अब देखो कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, 700 MB होती है, ठीक है,
700 MB होती है। अब देखो सी डी रोम, अब इसका पूरा फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, एब्रीवेशन आपको पता होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सी डी का आपको होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का आपको पता है रीड ओनली मेमोरी। अब देखो दिस इज यूज ओनली टू इन्फॉर्मेशन, कैन नॉट बी यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, अब देखो इसे इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, और देखो इट्स इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा ग्राफिक्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो गई। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, गेम्स हो गए, ई बुक्स हो गई। ठीक है, तो ये सब होती हैं। अब देखो सी डी रोम विच रिपोर्टेड स्पीड, इफ अ सी डी रोम इज हैविंग अ रिपोर्टेड स्पीड ऑफ 48x, इट मीन्स इट कैन ऑपरेट 48 KBPS और 7200 KBPS। ठीक है, अब इट रिटर्न्स टाइम ऑफ 150 KBPS। अब ऑप्टिकल डिस्क जो होती है आर अवेलेबल इन द स्पीड रेंज ऑफ 48 to 75x। ठीक है, KBPS इतनी की स्पीड होती है ऑप्टिकल डिस्क की। ठीक है, दूसरा आता है CDR। ठीक है, अब ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें क्या तुम्हारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, और उसमें एक ही बार हम लिख सकते हैं और ये दोबारा से मिट नहीं सकता है। ठीक है, फिर आता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीराइटेबल से ही हमें आइडिया मिल गया है कि इसमें हम डेटा लिख सकते हैं और दोबारा से हम इसे इरेज करके न्यू डेटा भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अब आता है हमारा डीवीडी। अब डीवीडी क्या होता है, इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट लुक्स द सेम एज कॉम्पैक्ट डिस्क बट इज एबल टू स्टोर अबाउट 15 टाइम्स एज मच इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर इट टू कंप्यूटर अबाउट 20 टाइम्स एज फास्ट एज सीडी रोम। अब देखो 15 गुना ज़्यादा ये सीडी रोम से स्टोर कर सकता है और उससे 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये अपना जो डेटा है वो ट्रांसफर कर सकता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं डीवीडी इज मोर एफिशिएंट देन द सीडी रोम, है ना। अब देखो DVD is also called super density disk SD, ठीक है, and can hold up to 17 GB, means 17 GB तक की वो स्टोरेज कर सकता है। फिर DVD ROM जो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है, और रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें कितनी कैपेसिटी होती है, 4.7, ठीक है, इसमें कितनी कैपेसिटी होती है, 4.7 GB से पूरा 17 GB तक स्टोरेज होता है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा DVD रिकॉर्डेबल, अब इसमें भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसमें रिकॉर्डेबल जो होती हैं उस वो भी एकदम सिमिलर सीडी की तरह ही होती हैं, जिसमें हम अपना जो डेटा है वो एक बार डाल सकते हैं, बट इट ठीक है उसे हम बार बार देख सकते हैं लेकिन उसमें कोई चेंजेस करने तो वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रीराइटेबल होती है उसमें क्या है, उसमें हम बार बार पढ़ भी सकते हैं और बार बार अगर हमें डेटा चेंज करना है, ठीक है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको। तो सीडी डीवीडी में बेसिकली रिकॉर्ड और रीराइटेबल का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अगर रिकॉर्डेबल रिकॉर्ड लिखा है तो समझिए उसमें एक ही बार हम चेंजेस कर एक उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें हम रीड चाहे जितनी बार कर लें उसे, मीन्स उसका डेटा हम चाहे जितनी बार देख लें। लेकिन बात आती है रीराइटेबल की, तब आप ये समझ जाइए कि हाँ रीराइटेबल है तो मतलब हम उसमें दोबारा से राइट कर सकते हैं, मतलब हम उसमें दोबारा से डेटा इनपुट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, फिर आता है हमारा पेन ड्राइव और थंब ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव और थंब ड्राइव ये, ठीक है, अब पेन ड्राइव और थंब ड्राइव क्या होता है, तो देखो पेन ड्राइव या थंब ड्राइव हम कह दें तो इट इज़ अनदर काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट हैज रिसेंटली इमर्ज्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, किस शेप में होता है आपको मैं बता देता हूँ, ये ऐसे इस टाइप में कुछ होता है पेन ड्राइव। ठीक है, आपने देखा होगा, आपके पास होंगे भी। ठीक है, तो देखो पेन ड्राइव जो है जैसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं फ्लैश। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट इज़ अ फ्लैश इज अ सॉलिड स्टेट मेमोरी, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स अनलाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस और नॉर इट इज मेकअप ऑफ यूजिंग लेजर्स। ठीक है, कोई इसमें मैग्नेट नहीं होता है, कोई लेजर से नहीं बना होता है। ठीक है, इंस्टेड इट वर्क्स इन सिमिलर वे टू रैम। ठीक है, जैसे रैम वर्क करती है वैसे ही पेन ड्राइव भी हमारी वर्क करती है। ठीक है, अब देखो इसका फेयरली प्राइस अगर हम बता दें तो ये कितने में मिल जाती है, 250 रुपये तक की स्टार्टिंग होती है, 250 रुपये तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं, 250, 300 ऐसे, जैसे जैसे आपका स्टोरेज होगा वैसे वैसे थोड़ी महंगी होती जाएगी। अब देखो इसकी हम वो बता दें अगर स्टोरेज, ठीक है, तो देखो इसमें 256 MB से लेके 128 GB तक की आपको ये मिल जाती हैं। ठीक है, 128 GB तक की आपको क्या मिल जाती हैं, पेन ड्राइव। ठीक है, फिर आते हैं हम बात करते हैं ब्लू रे डिस्क। अब ये क्या है, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, या ब्लू रे हम कह दें, इट इज़ द नेम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट जॉइंटली डेवलप्ड बाय द ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन। ठीक है, अब इसमें देखो लीडिंग वर्ल्ड्स लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल कंप्यूटर मीडिया मैन्युफैक्चर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया आपका, डेल हो गया, हिटाची हो गया, HP हो गया, मिटुबिशी हो गया, ठीक है, पैनासोनिक हो गया, फिलिप्स हो गया, और ऐसी बहुत ढेर सारी कंपनीज है जो इसे यूज़ करती हैं ब्लू रे डिस्क को। ठीक है,
ठीक है, तो चलो ब्लू रे डिस्क जो होती है, ठीक है, अब ये क्या है, बहुत सारी कंपनीज यूज़ भी करती हैं। अब इसका जो स्टोरेज अगर हम देख लें तो वो अगर ये सिंगल लेयर की आपको मिलेगी, आप खरीदेंगे तो इसमें 25 से 50 जीबी तक की स्टोरेज आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके डुअल लेयर की तो वो आपको 50 से 100 जीबी तक की स्टोरेज की मिल जाती है, ठीक है। तो वो लेयर पे डिपेंड करता है, अगर आप डबल की लेंगे तो आपको 100 जीबी तक की स्टोरेज मिलेगी, और अगर आप सिंगल लेयर की लेंगे तो आपको 50 जीबी तक की स्टोरेज मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, हाई डेफिनेशन मीन्स HD सपोर्ट भी रहता है, ठीक है। हाँ, और देखो द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द ब्लू वायलेट रेजर इज डैट इट हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ एंड अ रेड लेजर, ठीक है, इसमें शॉर्ट वेवलेंथ भी होती है, ठीक है। और ब्लू डिस्क इज कन्वीनियंटली सपोर्टेड मोर देन 180 ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वर्ल्ड लीडिंग जो 180 कंपनीज हैं उनसे ज़्यादा भी 180 से लगभग ज़्यादा ही ब्लू रे डिस्क को यूज़ करती हैं कंपनीज, ठीक है। और देखो इट हैज़ ब्रॉड सपोर्ट फॉर मेटा मेजर मूवीज स्टूडियो एज अ सक्सेसर टू टीवी टूडे DVD फॉर्मेट एंड दे आर कैपेबल अप टू 128 GB ऑफ द डेटा, ठीक है, 128 तक की ये कैपेबल हैं, इतना डेटा ये स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। फिर अब देखो, अब आता है हमारा टॉपिक द सिस्टम बस। हेलो गाइस, लेट्स लर्न अबाउट दिस सिस्टम बस, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपकी जो वो आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है, डेफिनेशन हैं, वो मैंने लिख दी हैं, आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो देखो सिस्टम बस, पहले ये जान लेते हैं सिस्टम बस होता क्या है, ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे कंपोज ऑफ कनेक्टिंग केबल्स एंड दैट कनेक्ट्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे होता है, ठीक है, जो कि क्या कनेक्ट करता है, केबल्स को कनेक्ट करता है, किससे, कंप्यूटर के जो मेजर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे केबल से कनेक्ट करता है सिस्टम बस। अब देखो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, देखो द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस, ठीक है, जो डेटा कैरी करते हैं सिस्टम बस का पार्ट उसे हम कहते हैं डेटा बस, ठीक है। अब सिस्टम बस का जो पार्ट होता है जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैरी करता है कि कैसे कंट्रोल करना है, उसे हम कहते हैं कंट्रोल बस। फिर आता है सिस्टम बस का जो मेमोरी एड्रेस कैरी करता है उसे हम कहते हैं एड्रेस बस, ठीक है। और ये बस वाली नहीं बस है जो इसमें आप घूमते हैं, ठीक है। अब IO बस क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है, इनपुट आउटपुट जो होता है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, या आपने कुछ और इसमें कनेक्ट किया है कंप्यूटर में, तो उन सब डिवाइसेस को ये कंट्रोल करता है हमारा इनपुट आउटपुट बस, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली सिस्टम बस की। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक इंट्रो आपको दे देता हूं मैं, जैसे कि मैं हमेशा देता हूं। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मोबाइल का डिस्प्ले कैसे होता है, कैमरा कैसे होता है, मोबाइल में CPU कैसे काम करता है, मोबाइल में पावर मैनेजमेंट मीन बैटरी कैसे काम करती है, उसमें ALU कैसे काम करता है, उसमें ग्राफिक्स कैसे काम करते हैं, मेमोरी कैसे काम करती है, स्पीकर कैसे काम करता है, स्टोरेज कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द लेक्चर नंबर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बस फिर तो हमारा चैप्टर खत्म जी आ गया, लेक्चर 4 लेक्चर्स में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।